गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ दीपाली। एंशियंट लाइफ टेल्स में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज हम ये मैंने ना ये जो हरा मूंग है ना उसको मैंने स्प्राउट्स बनाने के लिए कल रात में उसको मैंने एक कपड़े में बांध के रखा था। ये देखिए कितना अच्छा स्प्राउट्स निकला है। तो हम इसकी रस्सा भाजी बनाएंगे जो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गाइज, जो स्प्राउट्स हमने भिगो के रखे थे ना यहाँ पे, वो देखो कितना अच्छा हो गया है। तो चलिए इसमें पानी डाल लेते हैं। इसको हम 5 मिनट ऐसे ही भिगो के रख देते हैं। गाइज, जो हरा मूंग है ना ये वाला स्प्राउट्स जो निकला है उसका हम लोग जो रस्सा भाजी बनाने वाले हैं वो देखिए, उसके लिए मैंने एक टोमेटो कट कर दिया है और एक प्याज कट कर दिया है और थोड़ा सा मैंने दही लिया है और थोड़ा सा बेसन लिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले दही लेंगे इसमें और इसमें हमें बेसन डालना है और इसका हमें थोड़ा सा एक घोल बना के रखना है ताकि हमें भाजी में जो है वो आसानी हो जाए। इसको आपको अच्छे से जो है वो इसको मिक्स करके लेना है और इसको आपको अच्छे से मिक्स करके लेना है ताकि जो उसके लम्स वगैरह है वो कुछ भी ना मिले उसमें। तो इसको आपको अच्छे से फेंट के लेना है ऐसे दही को और बेसन को। दही थोड़ा गाढ़ा है इसकी वजह से उसमें थोड़े से लम्स रहेंगे, लेकिन आप इसको अच्छे से फेटेंगे ना तो ये मिक्स हो जाएगा बराबर से। देखिए इसका घोल बना के हो चुका है सी। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अभी मैंने कढ़ाई गैस पे रख दिया है और इसका गर्म होने तक हम लोग वेट करेंगे। थोड़ा फास्ट करते हैं और इसमें जो है वो तेल डालते हैं, जो भी आप तेल यूज करते हैं रिफाइंड ऑयल वो आपको डालना है। तेल गर्म हो चुका है गाइस, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा चुटकी पर हींग डालना है आपको। उसके बाद आपको इसमें डालना है जीरा थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ी सी राई और देन हमें इसमें डालना है प्याज और टमाटो। पहले प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। तो गाइस हमारा पैन जो है वो अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक टमाटो और टमाटो को भी अच्छे से आपको पकाना है ताकि टमाटो अच्छे से गल जाए। अब हमें क्या करना है, इसमें मसाले डाल के लेना है पहले। अब डालना है इसमें आपको हल्दी पाउडर, उसके बाद धनिया पाउडर, देन आपको इसमें डालना है तीखा मसाला। आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि टोमेटो जो है वो अच्छे से हमारा गल जाए। और हमें इसमें अभी डाल के लेना है नमक। नमक से प्याज और टमाटो जो है वो अच्छे से पकने में हेल्प हो जाती है। तो आप स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। इसको थोड़ा मिक्स करना है और वापस इसको आपको रख देना है 1-2 मिनट ताकि टमाटो जो है वो अच्छे से पक जाए। कई 2 मिनट हो चुके हैं सी। और हमें क्या करना है, जो मटकी है सॉरी ये जो हरा वाला मूंग है वो हमें इसमें डाल के लेना है पूरा। अच्छे से मिक्स करके लेना है। 5 मिनट आपको ऐसे ही पकाना है गाइस। गाइस 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करना है, इसे जो हमने ये
दही की और बेसन की पेस्ट बनाई थी वो हमें इसमें ऐड करनी है। अच्छे से मिक्स करके लेना एक बार। सी कितना बढ़िया कलर आया इसका। गाइस कोई भी चीज़ वेस्ट मत करिए। इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था इसमें थोड़ा मैंने पानी डाल के ऐसे ही आपको इसमें डाल के लेना है ताकि हमारा जो ये हरा मूंग का सब्ज़ी है ना ये अच्छे से पक जाए, ताकि थोड़ा पानी हमको चाहिए उसमें। तो ये देखिए अभी हमें इसको पकाना है अच्छे से। कितना सुंदर टेस्ट भी टेस्ट तो नहीं बट दिखने में बहुत ही मस्त लग रहा है। तो हमें इसको अभी अच्छे से 10 मिनट ऐसे ही पकाना है। तो इसको हमें ऐसे ही 10 मिनट के लिए पकाना है। तो गाइस 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। देखिए हमारी सब्जी कैसे लग रही है, एकदम डिलीशियस मस्त। तो हम लोग गैस अभी बंद कर देते हैं। ओके चलिए गैस हमें अभी बंद करना है। हमें इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ऐसे ढक देना है। जो सब्जी है हमारी हरा मूंग का वो हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा करी लीव्स और फिर हमें डालना है इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता। गाइस अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच, लव यू। चलिए हमें अभी सर्व करके लेना है। पहले हम राइस ले लेते हैं। तो गाइस हम लोग सब्जी सर्व करके ले लेते हैं। मैं राइस पे ही ले लूँ डायरेक्टली।